नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव। आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि G73 हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। G73 हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल, आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका यूज हम लोग जो है कम साइकिल टाइम में ज्यादा जो है तेजी से ड्रिल करने के लिए करते हैं। अब ये हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल किस तरीके से जो है G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल से अलग है, इसका भी जो है आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। हालांकि इसका यूज हम लोग जो है हार्ड मटेरियल में नहीं करते हैं, इसका यूज हम लोग जो है सॉफ्ट मटेरियल में करते हैं, ताकि जो है इजीली जो है फास्ट हमारी जो है ड्रिलिंग हो जाए। अब इसका यूटिलाइज कैसे करना है, इसके लिए जो है हम सबसे पहले अपनी VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 86 पे जाएंगे, और 86 पर जो है आपको हमारी हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल G73 का सिंटेक्स दिया हुआ है, जो कि मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। G73 X, Y, Z, R, Q and F, ठीक है। एक्स वाई हो गई आपकी पोल की पोजीशन, जेड हो गया आपका डेप्थ, आर हो गया आपका आर प्लेन यानी कि रिट्रैक्शन प्लेन, क्यू हो गया आपका पैक अमाउंट, एफ हो गया आपका स्पीड रेट। तो ये है आपका सिंटेक्स। बट G73 पैक ड्रिलिंग साइकिल में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर, ये कैसे काम करेगा। इसके लिए जो है मैं आपको पहले एक ग्राफ दिखा देता हूं। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये दिखा देता हूं कि एक ड्रिल है, ठीक है। ड्रिल आपकी सबसे पहले अपने होम पोजीशन पर है, उसके बाद ये आएगी इनिशियल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद उसके बाद आपको लगाना है आर प्लेन पे आएगी, ठीक है। ये आर प्लेन पे आकर रुकेगी। आर प्लेन के बाद फिर जो है ये पैक वैल्यू जो यहां पर मैंने यहां पर दिखाया है आपको, ये तो आर प्लेन हो गया, ये आर प्लेन है। ये आर प्लेन हम डिसाइड करते हैं इस वर्कपीस के सरफेस से 2 mm, 3 mm, 4 mm या 5 mm, ठीक है। जो भी आपको लगे सुटेबल हाइट वहां तक जो है आप इसको सेट कर सकते हो कि आर प्लेन, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं क्यू पैक अमाउंट, क्योंकि पैक ड्रिलिंग है तो पैक ड्रिलिंग में क्या होता है कि एक बार जो ड्रिल है वो नीचे जाएगा, फिर दोबारा से जो है ऊपर आएगा, फिर ड्रिल इस पे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ये जो है G83 साइकिल में ऐसा होता था कि जब हम पैक ड्रिलिंग साइकिल लगाते थे तो टूल हमारा जो है पहले इनिशियल पोजीशन पे है, उसके बाद आर प्लेन पे आता था, आर प्लेन के बाद ड्रिल करता था पहले पैक पे, फिर उसके बाद फिर दोबारा आर प्लेन पे जाता था, फिर उसके बाद फिर दोबारा से पैक अमाउंट पे जाता था, फिर उसके बाद यहां तक जाता था, फिर उसके बाद यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब आर प्लेन तक तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पैक ड्रिलिंग साइकिल में अगर आप जो है आर G98 या G99 लगाते हो उस केस में ये होता था, बट जब हम G73 हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल लगाएंगे, ठीक है, तब ऐसा नहीं होगा। उस केस में जो है क्या होगा, उस केस में क्या होता है कि आपका जो
ड्रिल है, वो पहले आएगा आर लेन पे, फिर उसके बाद ये जाएगा पहले पैक अमाउंट पे, उसके बाद हल्का सा ऊपर उठेगा, शॉर्ट चिप ब्रेक रिट्रैक्ट, मतलब छोटा सा उठेगा, उसके बाद फिर दोबारा अगले पैक पे चला जाएगा, ठीक है, और फिर हल्का सा उठेगा, फिर अगले पैक पे चला जाएगा, और फिर हल्का सा उठेगा और फिर अगले पैक पे जाएगा। यानी कि यहां पर एक चीज जो ये रहेगी कि शॉर्ट चिप ब्रेक रिट्रैक्ट, ये छोटा सा अमाउंट में ये ऊपर उठ रहा है, ये जो शॉर्ट चिप ब्रेक अमाउंट है ये हमारा पैरामीटर की सेटिंग है, ठीक है, जो हमारी G73 हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल में डिफाइन है। अब ये कितना डिफाइन है, ये जब G73 किसी मैन्युफैक्चरर ने कंट्रोल पैनल में डाली है तो उस समय जो है 2 mm या 3 mm, इससे ज्यादा जो है ये शॉर्ट चिप ब्रेक रिट्रैक्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि हल्का सा टूल ऊपर उठेगा और फिर दोबारा से नीचे चला जाएगा, फिर इससे जो ये साइकिल टाइम जो है हमारा बचेगा कि जितना पैक अमाउंट जा रहा है उतना ही ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं से हल्का सा ऊपर उठेगा और नीचे चला जाएगा, फिर हल्का सा उठेगा फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा जो है ये मशीन पर होते हुए आपको दिखाई देगा। और ये G83 और G73 दोनों में जो है डिफरेंस भी मैं जो है अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी मशीन के ऊपर कि कैसा होता है ये हमारा हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल G73 वाला, ठीक है। अब यही चीज आपको जो है चाहे आप G98 यूज करके कर सकते हैं, चाहे आप G99 यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज मैंने जो है आपको बताया हुआ है। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने G98 और G99 का जो फंक्शन है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। अब क्योंकि G73 से हमको जो है प्रोग्राम बनाना है तो हम जो है एक प्रोग्राम एग्जाम्पल लेंगे कि वो कैसे बनता है, ठीक है। चलो फिर अब जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा G73 पैक ड्रिलिंग साइकिल किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके लिए जो है हम एक ड्रॉइंग बना लेते हैं यहां पर, एक होल हमारा यहां है, एक होल हमारा यहां है और एक होल हमारा यहां है, ठीक है, ये 3 होल हैं। यहां से जो डिस्टेंस है इसकी 20, यहां से जो डिस्टेंस है 40 और यहां से जो डिस्टेंस है वो 60, ठीक है। सिमिलर यहां से 20, 40 और ये 60, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट कॉर्नर पे ले लिया हमने। अब ड्रिल करना है हमको G73 पैक ड्रिलिंग साइकिल से और ऐसे जो है 3 होल करने हैं, ठीक है। 1 ये हो जाएगा ए, बी और ये सी, ठीक है। ए बी सी ये 3 होल हमको करने हैं ड्रिल, उसका जो प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ओ 0001 G17 G21 G40 G80 G94, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे G91 G28 Z0.0 G28 X0.0 Y0.0। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे M06 T01 टूल नंबर 1 कॉल कर लिया, उसके बाद G00 G90 G54 X, पहले होल की पोजीशन जो है हम यहां पर डाल देंगे, पहले होल की पोजीशन है X की वैल्यू 20.0, Y की वैल्यू 20.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम लिखेंगे G43 H01 D01 एंड ऑफ ब्लॉक, Z100.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद M03 S1200 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद जो है हम लिखेंगे यहां पर G99
G 73 x 20.0 y 20.0 z -20.0। z की वैल्यू जो है डेप्थ जो हम देंगे यहां पर वो 20 mm की है, ठीक है, 20 mm तक गहरे जो है हमको ड्रिल करने हैं। और आर प्लेन जो हम लेंगे 3.0, क्यू की वैल्यू पैक हम लेंगे यहां पर 5.0, एफ फीड रेट जो लेंगे हम 150 का लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी देखो G73 साइकिल जो है हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स 40.0 वाई 40.0, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। उसके बाद सी पॉइंट के लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्स 60.0 वाई 60.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये हो जाएगा सी। उसके बाद M05 G40 G80 उसका लिखेंगे G91 G28 Z0.0 G28 X0.0 Y0.0 एंड ऑफ ब्लॉक और M30। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल ऐसा बनेगा। अब यहां पर जो है जो शॉर्ट चिप ब्रेक अमाउंट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो है हमारा पैरामीटर में सेट होता है। अब इसका प्रैक्टिकल हम जो है मशीन के ऊपर करके देखते हैं और देखेंगे कि हमारा जो है मशीन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम G73 पैक ड्रिलिंग साइकिल का प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करेंगे कि G73 पैक ड्रिलिंग साइकिल किस तरीके से काम करती है। सिंटेक्स भी आपको समझ में आएगा और जैसा कि आपने थ्योरी में देखा कि हमारा जो G73 का जो सिंटेक्स है उसके अंदर शॉर्ट चिप ब्रेक रिट्रैक्ट जो अमाउंट है वो किस तरीके से काम करता है। तो अब जो है उसको हम प्रैक्टिकली समझने के लिए जो है हम यहाँ पर आपको एयर में जो है टूल को रन करा के दिखाएंगे कि कैसे जो है हमारी ड्रिलिंग होगी। तो उससे पहले जो है सबसे पहले हम यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो G73 वाली जो लाइन है यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू 50 दी हुई है, आर की वैल्यू 5 दी है और क्यू की वैल्यू 10 दी है, क्योंकि क्यू जो है हमारा पैक अमाउंट है। तो हमारा टोटल जो डेप्थ है वो 50 की है, तो 10-10 का जो है हम पैक लेंगे और उसमें जो रिट्रैक्ट अमाउंट है वो रिट्रैक्ट अमाउंट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। अब रिट्रैक्ट कितना हो रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक काम और करता हूँ इसमें कि हमारा जो टूल है इस टूल को जो है एक बार मशीन में लगा देते हैं क्योंकि हमने इसको निकाल लिया था। अब हम अपना ड्रिलिंग टूल जो है ये ड्रिलिंग टूल हमने यहां पर लगा लिया, ठीक है। अब हमें डोर को क्लोज कर देते हैं और प्रोग्राम को चलाएंगे और आपको जो है इसको देखना है। यहां पर आप देख सकते हैं, अब मशीन में आप देखिए यहां पर मशीन में आप देखेंगे कि ये जो है हमारा टूल नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा पैक हो रहा है, साथ में रिट्रैक्ट भी हो रहा है, रिट्रैक्ट थोड़ा सा हो रहा है, यानी कि जो आर प्लेन है वहां पर रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए तो पहला होल हो चुका, ये दूसरा होल और ये दूसरा होल में भी देखिए रिट्रैक्ट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। वो रिट्रैक्ट कितना अमाउंट हो रहा है वो जो है हमारा शॉर्ट
अमाउंट है, ठीक है, शॉर्ट चिप ब्रेक रिट्रैक्ट अमाउंट, इसमें सिर्फ हल्की सी चिप निकल पाएगी, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है, इसमें रिट्रैक्शन बहुत ही माइन्यूट हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो है हमने जो वैल्यू डाली थी पैक की वो 10 एमएम की डाली थी। अब मैं एक काम करता हूं, यही चीज जो है मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू को जो है और जो है कम कर देता हूं, पैक अमाउंट जो है मैं कम कर देता हूं, तो 50 में जो है एक होल में जो है आपके लगभग 10 जो है आपके पैक बन जाएंगे। तो मैं इसको एक बार यहां पर ही एडिट कर देता हूं, क्योंकि वैल्यू जो है मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, आप देख पाएंगे, क्योंकि वैल्यू को मैं जो है यहां पर 5.0, अब यहां पर देख सकते हैं क्योंकि वैल्यू को मैंने 5 कर दिया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, ऑटो में लेते हैं और ये अब मैं इसको चलाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे पैक्स बना रहा है, लेकिन ये अपने रिट्रैक्शन प्लेन पर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 83 में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको G73 में मिलेगी, यानी कि जो रिट्रैक्शन है बहुत ही थोड़ा हो रहा है, बट जो पैक अमाउंट है वो आपका पूरा ले रहा है। देखिए, ये बार बार जो है आपको आर प्लेन पे नहीं आएगा, ये चीज यहां पर जो है आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। देखिए, ये तो अब यहां पर जो है एक चीज मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब जो है आप इसको इस स्क्रीन पर जब देखने चाहेंगे तब आपको जो है और कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहां पर जो है सिंगल ब्लॉक में एक बार रन करता हूं, और सिंगल ब्लॉक में जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तब आपको और बेटर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सिंगल ब्लॉक में चलाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। ये देखिए, यहां पर देखिए, अब ये जो है ड्रिलिंग स्टार्ट होने वाली है, ये देखिए, और ये अब लीजिए, ये आ गया आपका आर प्लेन पर। देखिए, जेड की वैल्यू जो है 5 है, यहां पर आप देख सकते हैं R5, तो ये R5 यानी कि जेड को जो है सॉरी जो आर प्लेन है वो हमारा 5 mm पे है, तो जेड अभी वर्कपीस के सरफेस से 5 mm है, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम हम हवा में चला रहे हैं, तो आपको टूल की पोजीशन आपको यहां पर दिखेगी। ये आर प्लेन है, ये इसके हिसाब से है, बट क्योंकि हमने हवा में चला के ये टेस्टिंग करनी है तो ये चीज हम यहां पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे ही मैं साइकिल बटन प्रेस करता हूं, ये देखिए, अब जो है हमारा टूल जो है नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां पर वैल्यूज को आप देखिए, वैल्यूज क्या हो रही है, बार बार जो है 2-2 mm ऊपर आ रही है, ठीक है। आप इसको स्लो मोशन में देखेंगे ना तो वैल्यू आपको पता चलेगी कि नीचे जाने के बाद ऊपर आती है। अब देखो, पहला वाला जो है होल हो चुका, अब दूसरा होल की पोजीशन जाएगी, आपको दिखेगी, ये देखिए, 5 के बाद फिर 8, दो दो एमएम जो है रिट्रैक्ट कर रहा है, तो ये 2-2 mm जो रिट्रैक्ट कर रहा है वो वैल्यू जो है हमारे पैरामीटर में सेट है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका -50 तक जाएगा और ये फिर आर प्लेन पे आ गया, उसके बाद स्पिंडल स्टॉप और उसके बाद रेफरेंस Z0 XY0 और M30, प्रोग्राम एंड रीसेट, ठीक है। तो अब क्योंकि G73 में मैंने आपको ये दिखाया कि रिट्रैक्ट शॉर्ट अमाउंट हो रहा है, बट यही चीज अगर मैं आपको G83 में दिखाता हूं, यानी कि पैक ड्रिलिंग्स जो साइकिल है हमारी G83 वाली, अगर मैं यही चीज G83 में कर देता हूं तब कैसा प्रोग्राम चलेगा, यही प्रोग्राम चलाएंगे हम, और इसमें जो है आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि G83 और G73 में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। चलिए फिर देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर प्रोग्राम हमारा सेम है, प्रोग्राम को मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं, उसके बाद जो है सिर्फ G73 की जगह पे, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, G73 की जगह पे अब मैं क्या करता हूं, G73 की जगह पे G83 कर देता हूं। यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं G83 अल्टर। अब आप देख सकते हैं यहां पर G99 83 हो गया,
सेम चीज रहेगी, सब कुछ सेम है। अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ऑटो मोड में सेलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम चेक, और ये हम जो है रीसेट करके और फिर दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। सिंगल ब्लॉक जो है हम ऑफ कर देते हैं और डायरेक्ट जो है अब आपको यहां पर मशीन की स्क्रीन पर ले जाते हैं। अब ये यहां पर देखिए, ये देखिए रिडायरेक्शन प्लेन के पे बार बार जो है आपका मशीन जितना गहरा ड्रिल करे लेकिन आएगी बार बार आर प्लेन पे, ठीक है। आर प्लेन यानी कि 5 mm ऊपर आएगी, आर 5 पे आएगी। ये देखिए रिडायरेक्शन प्लेन कहां पे जा रहा है, बार बार जो रिट्रैक्ट हो रही है वो हर बार जो है आर प्लेन पे आ रही है, लेकिन 73 में देखिए आर प्लेन पे नहीं आ रही थी। यही जो है इसका डिफरेंस है, जितना डीप जाएगी लेकिन आना उसको बार बार आर प्लेन पे पड़ रहा है। तो ये 83 में सबसे ज्यादा साइकिल टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो यहां पर जो है आपको ये चीज का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आई होप इसको जो है मैं एक बार और भी जो है करके दिखाऊंगा आपको, ताकि जो है और बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा रिट्रैक्ट हो रहा है, लास्ट होल में जाएगा तो फिर दोबारा से रिट्रैक्ट हो रहा है। अब यही चीज जो है आप स्क्रीन पर देखेंगे कि स्क्रीन पर देखिए जो वैल्यूज है जेड की वो किस तरीके से वेरी करती है। यहां पर देखिए मैं साइकिल को ऑन करता हूं, ये देखिए जेड की वैल्यू 5 गया, फिर 3 पे आया, फिर देखिए बार बार चेंज हो रही है, फिर बार बार ऊपर जा रहा है, यानी आर 5 पे आ रही है। यहाँ पे बार बार 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो टूल है नीचे जाने के बाद भी फिर दोबारा से 5 पे आता है। तो वो आर प्लेन जो हमने सेट किया है वहां पर जो आने में जाने में जो इसका साइकिल टाइम बर्बाद होता है वो जो है G73 और G83 को अलग करता है। G73 में ऐसा होता नहीं है, वो बार बार जो है आर प्लेन पे वापस लौटता नहीं है। ये देखिए इस तरीके से जो है आपका, तो ये आपने देखा यहां पर कि G83 में और G73 में क्या डिफरेंस है। G83 में आपका साइकिल टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है, इसलिए जो है आपको लंबा साइकिल टाइम अगर जो जरूरत नहीं है तो फिर आप जो 83 लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई कम टाइम में चाहिए, हाई स्पीड ड्रिलिंग चाहिए, सॉफ्ट मटेरियल है, आपको फास्ट करनी है ड्रिलिंग, आप G73 लगाओ। अगर आपको जो है हार्ड मटेरियल के ऊपर काम करना है तो G73 मत लगाना, क्योंकि वो बहुत तेजी से अंदर जाएगा और पैक अमाउंट जो है बार बार जो है पूरा चिप्स निकलेगा नहीं, क्लॉगिंग हो जाएगी और फिर जो है आपका जो ड्रिल है वो टूट सकता है। ये केस ऐसा है, इसलिए जो है आपको सोच समझ के कैलकुलेशंस करके आपको साइकिल का चूज करना है। हर साइकिल जो है हर ऑपरेशन के लिए डिफाइन की गई है, तो आपको वही साइकिल यूज करनी है जो साइकिल जिस ऑपरेशन के लिए वैलिड रहेगी। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम G73 का यूज करते हैं और G83 का यूज करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।